हेलो, आ जाइए बेटा, ऐश्वर्या। ओके, देखो 5 मिनट में कल का रिव्यू देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, इसके पहले था हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने बात की थी किसकी? एटम की। ये पूरा एटम माना था अपन ने, और वहां पर मैंने बताया था कि एटम का जो सेंटर पार्ट है उस सेंटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। सेंटर पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियस। ठीक है ना, और इनकी जो रेडियस का डिफरेंस बताया था मैंने, ये 10^-15 मीटर और ये जो होती है 10^-10 मीटर, इस ऑर्डर की होती है। करेक्ट। इसके अंदर, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिकल पाथ, इसमें सर्कुलर पाथ में ऐसे चक्कर लगाते हैं कि अपने पास इंफॉर्मेशन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों को मिलाकर के न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? न्यूक्लियॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में रहते हैं इसलिए अपन इनको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। समझ आ गई बात? मैंने आपको यह भी बताया था कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही सारा, लगभग सारा मास इसके अंदर रहता है। लगभग सारा मास का मतलब हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो प्रोटॉन के मास का 1/1840, लगभग 2000 गुना होता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते थे कि लगभग सारा मास कहाँ रहता है? उसके न्यूक्लियस के अंदर रहता है। समझ आ गई बात? और जबकि इलेक्ट्रॉन इसके आसपास चक्कर लगाते हैं। किसी भी न्यूक्लियस को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मैंने बताया था XZA। क्या दिखाता है एलिमेंट को? एक्स किसको दिखाएगा? एलिमेंट को। एलिमेंट का मतलब हाइड्रोजन, जितने भी सब कुछ है वो सब के रिप्रेजेंट करें एक्स। जेड क्या बताया था मैंने? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यहां पर जो ए है इसको हम मास नंबर भी बोलते हैं और दूसरा एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। दोनों में कंफ्यूज, सॉरी, एटॉमिक मास भी बोलते हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होना। इसमें ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर बताएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ए क्या है यहां पर? मास नंबर। पूरा बंद कर बेटा, पूरा बंद कर। हाँ, मास नंबर क्या बताएगा या एटॉमिक मास क्या बताएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी सारे प्रोटॉन का मास प्लस सारे न्यूट्रॉन का मास। समझ आएगा? ये नंबर हो गया हमारे पास, ये एटॉमिक मास हो गया। ठीक है भाई, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक बताया था मैंने न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स होता है जो न्यूक्लियस को प्रोटॉन के पॉजिटिवली चार्ज है, इनके बीच में रिपल्शन लगता है और एटम खत्म हो जाता, न्यूक्लियस खत्म हो जाता। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं रहता, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं रहता। क्या करते हैं? आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है ना, कैसे? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये कैसे कन्वर्ट होते हैं? कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं मेसान। एक होता है पाई नोट, एक होता है पाई माइनस, एक होता है पाई प्लस। ये जो मेसान पार्टिकल है ये छोड़ करके लेकर के, छोड़ करके लेकर के प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस कभी भी टूटता नहीं है, उसको तोड़ा जाता है जब टूटता है वो।
ठीक है, ये बाद की कहानी, बाद में फिर दोबारा एक बार समझाऊंगा इसको कि कैसे टूटते हैं और कैसे नहीं टूटते। फिलहाल अपन जानेंगे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने कल आपको समझा दिया था। अपार्ट फ्रॉम इट एक चीज बताई थी मैंने, इसमें ए एम यू, ठीक है, वन ए एम यू। वन ए एम यू का मतलब क्या होता है? 1/12 ऑफ C12। कार्बन 12 का जो 12 पॉइंट कुछ होता है उसको 12 से डिवाइड कर दो तो उसको अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मान लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 AMU। एक बताया था मैंने आपको एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU की 1 AMU के इक्वल एनर्जी कितनी होती है, समझो जरा ध्यान से। यूं बताया था मैंने डेल्टा MC स्क्वायर, ठीक है। यहां पर अगर मास को अपन 1 प्रोटॉन का मास ले लें 1.6726 10^-27 kg, ये हो गया 3×10^8 का होल स्क्वायर मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब अपन ने सोल्व किया था यहां पर जो पॉइंट निकल करके आता है वो आता है 9.31×10^2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 931, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हो। मेगा मतलब क्या होता है, 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख अपने इंडियन सिस्टम में, ठीक है। तो ये एक AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी है, ये भी मैंने कल आपको समझाया था, दोबारा वीडियो देख लेना जिसने नहीं देखा हो, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था मास डिफेक्ट, ये कल के लेक्चर की चीजें जो मैंने कल समझा दी थी। एक बताया था मैंने मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट पहले इसका मतलब समझो, मास क्या है। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है 2Hc4, Hc तो क्या है यहां पर, हीलियम। हीलियम क्या है, एलिमेंट, ठीक है ना बेटा। ये 2 क्या है यहां पर, Z। 4 क्या है यहां पर, A, ठीक है। अब सुन, Z इज इक्वल टू 2, इसका मतलब 2 क्या हो गया, प्रोटोन। 2 क्या हो गया, प्रोटोन, है ना बेटा। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो A-Z, टोटल कितने हैं यहाँ पर, 4, ठीक है ना। तो इसको तो जेड इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटोन हो गए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हुआ बताओ, A-Z, समझे भाई, 4 है ना, अगर 2 उसमें से प्रोटोन है तो बाकी कितने बचे, 2 न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, A-Z, ये भी कितने हो गए, 2। तो होता क्या है कि इन 2 प्रोटॉन का और 2 न्यूट्रॉन का मास मिलाते हैं वो इस 4 से, इस हीलियम का जो मास होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, और इसको बोलते हैं अपन मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, मास डिफेक्ट। तो जो बाकी बचता है वो कहां गया, फिर वो एनर्जी के रूप में आता है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका समझो कि मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम, ठीक है। इसका मतलब जेड एम पी क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन। जेड एम पी क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन। ए माइनस जेड एम एन का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और उनको एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, फिर वो सारे न्यूट्रॉन का मास, ये सारे प्रोटॉन का मास, और इसमें से क्या घटाया अपन ने, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये क्या हो गया, मास ऑफ टोटल प्रोटॉन्स, मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स, और उसमें से क्या माइनस किया, न्यूक्लियस का मास। तो क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, मास डिफेक्ट। समझ आ गया बात। अच्छा, ये जो मास डिफेक्ट यहां पर आएगा, सुनो ध्यान से, कि अगर इनको अपन केजी में लें, किसको, प्रोटॉन के मास को, न्यूट्रॉन के मास को अगर केजी में लेंगे, किसमें लेंगे, केजी में लेंगे, तो ये आएगा किसमें, इसकी जो एनर्जी आएगी वो किसमें आएगी, जूल में। किसमें आएगी, वो जूल में। और अगर इनको एएमयू में लेंगे,
एएमयू एटॉमिक मास यूनिट में लेंगे तो एनर्जी किसमें आएगी फिर, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आएगी बात? तो पर उस एनर्जी को बोलते हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है? न्यूक्लियस को बांध के रखती है या किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के काम आती है। आपसे पूछे भी न्यूक्लियस कैसे टूटेगा, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हम बोलेंगे इनकी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर की एनर्जी दो। किसी न्यूक्लियस को तोड़ना है तो क्या करेंगे अपन, उससे बोलेंगे इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसके बराबर की एनर्जी दे दो, ये टूट जाएंगे। ठीक है ना? दो दो उनको लेकर के, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को लेकर अगर आपको कोई बनाना है, कोई न्यूक्लियस बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा कि भाई इतनी एनर्जी बाहर निकल जाएगी। तो बनने के लिए एनर्जी बाहर निकलती है, टूटने के लिए एनर्जी मुक्त होती है। जब तोड़ते हैं उसको बोलते हैं फिशन, जब जोड़ते हैं उसको बोलते हैं फ्यूजन। जब तोड़ने को क्या बोलते हैं? फिशन। जोड़ने को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। वो आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बेटा? देखो, E binding is equal to delta mc square। ठीक है, ये किसमें रहेगी? जूल में। किसमें आएगी ये? जूल में। कब? जब मास को किसमें लेंगे अपन? किलोग्राम में। मास अगर किलोग्राम में दे रखा हो तो बाइंडिंग एनर्जी किसमें आएगी? जूल में। और अगर मास एएमयू में दे रखा हो तो फिर एनर्जी किसमें आएगी? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। समझ आ गई बात? तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए मैं लिखूं, देखिए ऐसे डेल्टा एम सी स्क्वायर का मतलब क्या हो बताओ? ईबी इज इक्वल टू जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन माइनस एम, और ये किसमें आ गई भाई? इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें आएगी? ये जूल। समझ गए बेटा? और ई बाइंडिंग जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन माइनस एम सी स्क्वायर, अब बताओ किस में आएगी ये? अगर इसमें लूंगा तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको यहां से 931 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर केवल सी स्क्वायर लिखे किस में रहेगी? जूल में। किसमें? केजी में। और अगर इसको अपन एएमयू में लेंगे तो फिर किसमें आएगी? ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो एक जो क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल जो बनता है, वो यहां से। ठीक है, यहां तक आप लिया था। काम और बोला था मैंने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब क्या हुआ बेटा? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ए। न्यूक्लियॉन कितने होते हैं? ए। तो बाइंडिंग एनर्जी को ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन शोज द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। बाइंडिंग एनर्जी क्या बताती है? एटम की स्टेबिलिटी बताती है। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उसकी एटम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे इधर देखो, छोटा सा ग्राफ बताता हूं, इधर देख। जैसे इधर तो अपन ने क्या ले लिया? ए। और इधर ले लिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है बेटा, इसके बीच में खींचा ग्राफ, तो ये हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी बिल्कुल मरी मराई, बिल्कुल एकदम। ठीक है ना? उसके बाद में लिथियम की कम होती है, उसके बाद में फिर H2Hg4 हीलियम की ज्यादा हो जाती है, फिर कम होती है, फिर एक एलिमेंट की ज्यादा होती है, फिर ये ऐसे करके और ऐसे ग्राफ चलता है ऐसे। सुन, तो ये जो है यहां पर जो एक पॉइंट दिख रहा है ऊंचा ऊंचा, सबसे ऊंचा, ये लगभग 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और ये होती है F56 की। आयरन 56 की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? आयरन हुआ। समझ आ गया ना बात बेटा? इसके बाद में थोड़ा सा और आगे जाते तो प्लंबम आता है। क्या आता है? प्लंबम। प्लंबम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब, ये कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। कौन से एलिमेंट होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या खासियत होती है? वो उनमें से लगातार अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलते रहते हैं, और जब वो निकलते निकलते क्या बन जाए? पीबी आ जाए। इसका मतलब क्या हो गया? फिर वो
स्टेबल हो गया, उसके बाद वो आगे इंटीग्रेशन उसका नहीं होता है, आगे टूटता नहीं है। समझ आ गया? तो यहां तक शायद मैंने कल बता दिया था आपको बेंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तक। दो तरह के जो सवाल बच सकते हैं, मैं आपको सिंबॉलिक क्वेश्चंस बताता हूं कुछ, ध्यान से देखो। देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कि मान लो कोई एक अल्फा पार्टिकल है, डिपोजिट किया, ठीक है। अल्फा पार्टिकल कैसे बनता है? 1s1 1s2 1s2, तो क्या हो जाएगा 2 और फिर h4, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का डी एसोसिएशन अगर अपन देखें तो अल्फा पार्टिकल में क्या होता है बोलो, 2he4, पता है 2he4, 2he4 का मतलब क्या हो गया, 1s2 1s2, ये होता है। अच्छा भाई चलो, अगर मैं बोलूं कि ये 2 का मतलब क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए, 4 - 2 यानी कि 2, दो ही प्रोटॉन है दो ही न्यूट्रॉन है ना बेटा। हमसे बोला कि जो प्रोटॉन का मास है वो है 1.6726 केजी, into 10 to the power minus 27 kg, और मास ऑफ न्यूट्रॉन ने 1.6757, ये थोड़ा बहुत यहां चेंज आ सकता है उसमें टेंशन नहीं लेना, -27 kg, ठीक है। और मास ऑफ हीलियम जो है, मास ऑफ हीलियम यानी कि न्यूक्लियस का मास है वो है 4.12204, ये क्या है, मास ऑफ हीलियम, ठीक है, into 10 to the power minus 27, करेक्ट। हम बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी किसमें, पहले तो जूल में, और फिर बाइंडिंग एनर्जी किसमें, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कैसे निकालेंगे बताओ। तो बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, डेल्टा एमसी स्क्वायर, ठीक है बेटा। डेल्टा एम का मतलब क्या बताया था मैंने, जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन माइनस एम फिर सी स्क्वायर जूल, ये फॉर्मूला लिखा था अभी। चलो बोलो, तो जेड का मतलब 2 into mp 1.6726 प्लस 1.6757 10 to the power minus 27 माइनस 4.1204 into 10 to the power minus 27 सी स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3 into 10 to the power 8 का होल स्क्वायर, ये किसमें आएगा बताओ। अगर वो पूछता कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ, 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ आ गई बात, दिस इज द वे, नोट करो। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है,
एक ऐसी नेट की किताब थी, कोई बच्चा उठा के ले गया है, वापस ही मिला। बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे ना। ऐसे क्यों करते हैं बच्चे? कौन ले गया होगा? इंटरनेट अभी 3 बजे है बेटा, ज्वाइन 8:30 PM टुडे। ओके ये सब AMU है मास, किसमें ये AMU सुशांत, ये A बेटा, तो 4 मत मान लेना इसके साथ। करो, इसकी कैलकुलेशन टफ होती है इनकी बस, बाकी और कोई टेंशन नहीं। देखो इसका मतलब होता है कि स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ सब्सटेंस is known as radioactivity. And this type of substance known as radioactive substance. तीन तरह के एलिमेंट निकलते हैं इसमें, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। अल्फा पॉजिटिव
गामा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, ये तो गया चार्ज। दूसरा ये क्या है, अल्फा है 2He4, हीलियम न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन, और ये कैसा होता है न्यूट्रॉन, ठीक है ना, ऐसी इसकी नेचर होती है, ये इलेक्ट्रॉन नेचर होती है इसकी, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। नंबर तीन, आयोनाइजेशन, ठीक है, ये सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन रखते हैं, आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसकी होती है, अल्फा की। इसकी लोएस्ट, तो नेचुरली इसकी दोनों के बीच की हायर वो, ठीक है ना, मतलब ये भी आयोनाइजेशन करता है, ये भी आयोनाइजेशन करता है, लेकिन इसका आयोनाइजेशन क्या होता है, मिनिमम। पेनेट्रेशन, इसका आयोनाइजेशन दोस्तों पेनेट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब इसका पेनेट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम, इसका क्या होगा, मिनिमम, और इसका अल्फा से कम और गामा से ज्यादा। पेनेट्रेशन का मतलब क्या होता है, छेदना, किसी किसी भी उसमें डाले तो कौन ज्यादा, इसका मतलब गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा। इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी अल्फा से ज्यादा, ये मैक्सिमम था ना, नहीं मिनिमम, तो अल्फा से कम और गामा से ज्यादा, नहीं ये मैक्सिमम है ना, तो गामा से कम होगी ना, गामा से कम और अल्फा से ज्यादा, यहां क्या लिखा फिर मैंने, ये मैक्सिमम, मैक्सिमम तो इसका मतलब गामा का ज्यादा और, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इनके याद होने चाहिए। इसका जो मास है, अच्छा मास देख, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, इसका जो मास होता है मास ऑफ बीटा नियरली इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका जो मास होता है मास ऑफ गामा नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। चार्ज में देखो बेटा, चार्ज जब ये अल्फा पार्टिकल है तो इसका मतलब चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल चार्ज ऑफ 2 proton, इसका चार्ज चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन के चार्ज का दुगना। इसका जो चार्ज होता है चार्ज ऑफ बीटा लगभग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका चार्ज कितना होता है, 0, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज नोट कर लो, इतने तो कम से कम याद होनी ही चाहिए। फिर आता है रदरफोर्ड सोडी के रूल्स, जब कोई भी सब्सटेंस होता है उसका डिके होता है, तो डिके देखो 3 तरीके से हो सकता है, पहले प्राइमरी बता रहा हूं उसके बाद में फिर इनको डिटेल में बताऊंगा। जैसे अल्फा डिके, अगर किसी सब्सटेंस में से अल्फा पार्टिकल अगर निकलता है तो क्या होता है, जेड एक्स ए, ठीक, इसमें से क्या निकल गया, एक अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या बताया था मैंने, 2He4, तो हम यहां नया एलिमेंट बनेगा वो जेड माइनस 2A-4, समझ आएगी बात, अल्फा पार्टिकल अगर निकलेगा तो ये बनेगा, जैसे 92 यूरेनियम 238,
इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो ये बनेगा थोरियम 9234, यानी कि एटॉमिक नंबर तो दो कम हो जाएगा, एटॉमिक मास चार कम हो जाएगा, जब क्या डीके होगा अल्फा। जब बीटा का डीके होगा जेड एक्स ए बीटा, तो यहां पर क्या होता है जेड प्लस माइनस वन, वो डिपेंड करता है कि एंटी निकला है या वो निकला है, वो मैं आगे समझाऊंगा तुम्हें। ए में कोई चेंज नहीं होता, जेड तो प्लस माइनस वन हो जाएगा और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा। और जब गामा डीके होगा तो गामा डीके जेड एक्स ए गामा निकला, नो चेंज। गामा निकलने से उसके एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। बीटा निकलने से या तो एटॉमिक नंबर एक ज्यादा हो जाता है या तो एटॉमिक नंबर या तो एक कम हो जाता है या तो एक ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और अल्फा निकलता है तो एटॉमिक नंबर दो कम हो जाता है और एटॉमिक मास चार कम हो जाता है। नोट करो फटाफट। सॉरी मैम, कल बताऊंगा फिर।